बनाने के लिए वहां पर उन्होंने उसको खरीदा था, वो लैंड को खरीदा था। तो उस गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज़ को हटा दिया, वहां से जाने के लिए कह दिया, ताकि क्योंकि वो ये मानते थे कि वो जो पहाड़ है या वो जो लैंड है वो क्या है, उनके लिए भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर बताया गया कि अलग अलग रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा अलग अलग जो सोसाइटीज़ है वो ये मानती हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ज़्यादा पूजनीय है, वो उनके लिए भगवान के समान है। उन्होंने भगवान ने ये उनके लिए भगवान ने ये उनके लिए दिया है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को चला सके, अपना जीवन जो है वो चला सके। देखो यहाँ पर एक नेचुरल रिसोर्स और उसके यूजेस दिए हैं, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस हैं और क्या क्या उसके यूजेस आज के टाइम पे किए जाते हैं। ठीक है, वाटर का यूज़ एनर्जी या ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ऑयल का यूज़ एनर्जी फ्यूल के लिए, फॉरेस्ट का वुड, फूड, मेडिसिन्स विथ पल्प, रबर, हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, रॉक्स, शेल्टर कंस्ट्रक्शन, मिनरल्स, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, सॉइल से क्या है, एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होता है, एनिमल्स हो गए आपके, एनिमल्स ये क्या है आपका, शिप, शिप से हम लोग वुल निकालते हैं, या फिर उसको ये क्या है आपका, गोट है, गोट के, गोट को क्या है, फूड के तौर के पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये जो है आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्स है जिसको यूज़ किया जाता है इस तरीके से। इन सम सोसाइटीज़ द कम्युनिटी डिड नॉट कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रोल ले इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, अ स्मॉल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स हु ओन्ड द लैंड एंड रीपेड द बेनिफिट्स बाय मेकिंग द कॉमन पीपल फ्रॉम फार्म देयर लैंड। इन सम सोसाइटीज किंग्स मैनेज द लैंड एंड इरीगेशन रिसोर्सेज एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड द टेरिटरी एंड इन रिटर्न टुक अ लार्ज शेयर फॉर द ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज टैक्सेस। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ग्रू इन दिस सोसाइटीज एज पीपल एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज इन सम इन कॉम्प्लेक्स वेज। टाउन्स एंड सिटीज विथ लार्ज बिल्डिंग्स डेवलप्ड एज ट्रेड ग्रू एंड आर्ट कल्चर फ्लरिश। द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट एम्पायर्स। हाउ एवर द सोसाइटीज एक्सपीरियंस वाइडनिंग इंटरनल डिस्पैरिटीज दैट रिजल्टेड इन सोशल इनइक्वालिटी, कास्ट डिफ्रेंसिएशन, कास्ट क्लास कास्ट डिफ्रेंसिएशन, स्लेवरी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अब यहाँ पर देखिए जो अलग अलग सोसाइटीज़ में क्या है, अलग अलग धारणा है। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो बहुत बड़ा बहुत जो लैंड रहता था, जो उनके लैंड ओनर्स रहते थे, वो दूसरे को अपने लैंड पे खेती करने के लिए, अपने फार्मिंग करने के लिए देते थे। अब खेती यहाँ पर ये जो किंग्स रूल है ना, ये यहाँ पर से स्टार्ट हुआ। जिनके पास में बहुत ज़्यादा लैंड होते थे वो क्या करते थे, वो दूसरे को लैंड देते थे, या लैंड देते थे उस पर फार्मिंग करने के लिए, या फिर क्या होता था, अगर कोई कोई एक विलेज है या कोई ज़िला है, उस टाइम पे जो राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था, उनका उनका जो एरिया रहता था वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो राजा का रहता था, और वो अपनी प्रजा को, ठीक है, अपने लोगों को वो क्या करते थे, फार्मिंग के लिए लैंड दिया करते थे, और उसके बदले वो क्या, उसके बदले उस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसमें टैक्स के रूप में कुछ जो शेयर रहता था वो उनसे ले लेते थे। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़े, टाउन्स क्या हो गया, टाउन्स सिटीज़ विलेज जो है वो टाउन सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए, और ट्रेड ट्रेड भी स्टार्ट हो गया, और कल्चर जो है पूरा क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, लेकिन ये कल्चर के फैलने की वजह से, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, जैसे टाउन्स और सिटीज़ में जब डेवलप हुआ उस टाइम पे कई लोगों ने जो ग्रोथ था, ठीक है, कि कई लोगों के पास में बहुत सारा पैसे होते थे और कई लोगों के पास में क्या है, कम पैसे होते थे, जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी और कास्ट डिफ्रेंसिएशन, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आने लगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगेन अबाउट 250 ईयर्स अगो। फैक्ट्रीज वेयर सेटअप टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। दिस फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फ्यूल विच लेड टू अ शार्प राइज इन द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। द नेशंस दैट वेयर इंडस्ट्रियलाइजिंग इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू टुक फॉर अ न्यू रॉ मटेरियल सोर्सेज टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग। दे सेंड देयर साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरेटरी एक्सपीडिशंस टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब टू आइडेंटिफाई कंट्रीज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे क्या ह्यूमन्स ने जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आया, ठीक है, फार्मिंग हो गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आया वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें लोग क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने लगे। तो
उनको प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी, रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक जगह पे अगर कोई नेचुरल रिसोर्स जो है वो ख़त्म हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे, दूसरी जगह पे जाकर अपनी इंडस्ट्री को बनाते थे और फिर से वहाँ के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते थे। अब क्या है, जो ग्लोब है, ठीक है, पूरे ग्लोब में कहीं पर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा है, कहीं पर रॉ मटेरियल, कहीं पर आयरन बहुत ज़्यादा है, कहीं पर आपका एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हर जगह पर आप कहीं पर भी एक जगह जाते हो वहाँ पर किसी न किसी चीज़ की कमी होगी, तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट किया गया। द नेशंस बिलीव दैट द वर्ल्ड्स नेचुरल वेल्थ वॉज अ रिसोर्स दैट इट हैड टू बी यूज टू द फुल, द रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्सप्लॉयटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन देयर फैक्ट्रीज एंड थस इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर पीपल। दे ऑल्सो बिलीव द स्कार्सिटीज ऑफ रॉ मटेरियल कुड बी मैनेज्ड बाय डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स। दे बिगिन टू कॉलोनाइज कंट्रीज अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका एंड अफ्रीका एंड टू एक्सप्लॉयट द नेचुरल वेल्थ टू दिस कॉलोनीज। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, ठीक है, उनको उनके नेचुरल उन जो जो नेशंस थी, ठीक है, नेशंस जो थे, जो बड़े बड़े नेशंस थे जिनके पास में क्या है बहुत ज़्यादा पैसा था, जो बहुत ज़्यादा पहले शुरू में ही अपनी कंट्री को क्या कर दिए थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड कर चुके थे, उन्हों उनको उनके जो रिसोर्स हैं, ठीक है, उनका मानना ये था कि जो रिसोर्सेस हैं उनको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन को जो फैक्ट्रीज है उनका प्रोडक्शन को बढ़ा सके और सारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बढ़ा सके। और साथ में जो स्कार्सिटीज है, स्कार्सिटीज ऑफ रॉ मटेरियल, स्कार्सिटीज मतलब आपका कमी, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स की जो कमी है उसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो लोग उस चीज़ मतलब आपके स्कार्सिटीज़ को मैनेज करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ को क्या करने लगे, कॉलोनाइज करने लगे और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करने लगे। However, many of this colonies had tribal or agrarian societies that did not use their lands and forests for trade, for industry and trade. Unlike the industrial nations, they did not exploit nature for consumption. They believed nature was divine. A clash of belief system was thus inevitable because what one society saw as a resource was not as a resource for the other. Thus, the industrialists wanted to clear the forest through grow commercial crops, divert forest and agricultural land for mining and construct dams across rivers to generate electricity. On the other hand, the tribal people wanted to continue using their natural resources in traditional way. The clash of cultures continues to this day. अब यहाँ पर देखो क्या है, जो जब countries क्या करती थी, colonies बनाती थी, तो वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते थे और एक एग्रियन सोसाइटीज़ रहती थी। तो ट्राइबल लोगों का क्या मानना था कि वो अपने जो उनका जो नेचुरल रिसोर्स है वो उसको यूज़ करने नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डिवाइन है। और एग्रियन सोसाइटीज़ जिन्होंने किसी भी कंट्री को क्या किया, कॉलोनाइज बनाया है, उनका मानना क्या था कि उनको क्या करना है, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करना है। तो उन दोनों के बीच में, ठीक है, एक आपका ट्राइबल एरियाज और जो कंट्री ने आपको कॉलोनी बनाई है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा था। हम दोनों के बिलीव्स क्या थे, अलग अलग थे, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, प्रॉब्लम होना, क्लैश ऑफ कल्चर्स जो थे वो क्या है, कंटिन्यू हुए। और आज भी अगर आप लोग देखोगे तो कई सारे ट्राइबल एरियाज पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए वहाँ के लोग अलाउ नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट एंड साइंटिस्ट टिल 1950s बिलीव्ड दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टेबल एंड कुड बी एक्सप्लॉयटेड लिमिटलेसली टू इंक्रीज सोसाइटीज प्रोडक्शन। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट नेचुरल वेल्थ वॉज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, विद सम प्लेसेस बींग रिचली एंडोर्ड एंड अदर्स हैविंग फ्यू रिसोर्सेज। ट्रेड वॉज सीन एज अ सॉल्यूशन टू करेक्ट दिस इम्बैलेंस एंड मेक नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑल नेशंस। अब यहाँ पर इंडस्ट्री जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, 1950s तक जो इकोनॉमिस्ट थे जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म।
क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हम लोग कितना भी यूज़ करें वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये क्या है, ऐसा इनएग्जॉस्टेबल नहीं है, वो धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और साथ में उनको ये भी उस 1950s में वो ये मानते थे, और है भी है, एक्चुअल फैक्ट है ये, कि जो भी सामान है, ठीक है, मतलब जो भी जो नेचुरल वेल्थ है, जो नेचुरल रिसोर्स है, वो अनइवनली पूरे के पूरे ग्लोब में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब एक जगह पे अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर से उनको पता चला कि ट्रेडिंग ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सॉल्यूशन है, जिसको देखते हुए क्या कर सकते हैं, जो भी इम्बैलेंस है, मतलब आपका क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे आप क्या कर सकते हो, सामान पहुंचा सकते हो, ताकि सारे नेशंस की, ठीक है, सभी नेशंस का जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या हो सके, यूज़ हो सके, और सभी के पास में इक्वली अमाउंट पे नेचुरल रिसोर्सेज हों। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। थैंक यू।